बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी का बजट पेश कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सभी की निगाहें इसको, कितनी राहत, क्या क्या फायदा इस बजट से होगा ये पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बजट पेश कर दिया है यूपी सरकार ने, अपना बजट पेश किया, वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है और इस बजट पर सबकी निगाहें, चुनाव के बाद ये बजट, और जाहिर है सभी की निगाहें कि किसको कितनी राहत और किसको कितना फायदा इस बजट से मिलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि बजट पेश किया जा चुका है एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अत्यंत प्रभावी कार्रवाई की गई। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव निर्विघ्न एवं निर्विवाद रूप से सकुशल संपन्न हुए। चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा सोशल मीडिया, डिजिटल वॉलंटियर एवं अन्य माध्यमों से प्रदेश में छोटी सी छोटी सूचना का त्वरित गति से संज्ञान लेकर उन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कोई अफवाह बृहत रूप ले उससे पूर्व ही उस पर सकारात्मक निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जिससे निर्वाचन के दौरान कोई भी बृहत घटना नहीं घटित हुई। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इसकी सराहना की गई है। आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ATS सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाएगा, तथा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़, रामपुर में ATS सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ एवं जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य न्यायालय, मेट्रो, रेल, धार्मिक स्थलों विदिन ब्रैकेट अयोध्या, काशी, मथुरा, ऐतिहासिक स्थल ताजमहल, हवाई अड्डों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों, सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए 276,66,00,000 रुपए की व्यवस्था बता दी। पुलिस इमरजेंसी प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत UP 112 विदिन ब्रैकेट डायल 100 योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रारंभ किया जाना है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 730,88,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523,34,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र शस्त्र हेतु 250,00,00,000 रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800,00,000 रुपए, अनावासीय भवनों के लिए 800,00,000 रुपए, नव सृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय अनावासीय भवनों हेतु 300,00,000 रुपए तथा नव सृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 65,70,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय, हम जानते हैं कि वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य घोषित किया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक मानव संपदा वाला प्रदेश है, अतः देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी दर से प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार कार्य कर रही है। COVID-19 महामारी से वित्तीय वर्ष 2020-2021 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी रही, जिसका प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अब प्रदेश उस दौर से निकल चुका है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। हमारा विश्वास है कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने में सफल होंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। किसान, हमारी सरकार द्वारा पिछले सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष दिनांक 16 मई 2022 तक गन्ना किसानों के 1,72,745 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान
कराया गया, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95,215 करोड़ रुपए से 77,530 करोड़ रुपए अधिक है। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना माह दिसंबर 2018 से संचालित है। योजना के अंतर्गत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 42,565 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितंबर 2019 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुए खतौनी में दर्ज खातेदार सह खातेदार के साथ साथ उनके परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार सह खातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि कार्य करते हैं को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल / विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत कृषकों के क्षेत्रों पर सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है, इसलिए वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित। प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। वर्ष 2021-2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। करीब विपणन वर्ष 2021-2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल एवं धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4656 स्थापित क्रय केंद्रों के